हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ सरस फूड फेस्टिवल, जहां पर आप लोग 21 स्टेट के फूड खा पाएंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप लोगों को यहां पर फूड मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो या फिर कश्मीर के हो, तो आप लोगों को एक ही जगह पर सारे फूड मिलने वाले हैं। तो आज मैं यहाँ का आप लोगों को पूरा टूर करवाने वाला हूँ और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, किस तरीके के यहाँ पे फूड होने वाले, किस तरीके के प्राइजेस होने वाले, किस तरीके से आप लोग यहां पर आ पाएंगे, साथ में यहां पर पार्किंग की फैसिलिटीज क्या है, तो एवरीथिंग आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और यहां के खाने को टेस्ट भी करेंगे और साथ में आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधा सरस फूड फेस्टिवल में। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल की जो लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है कनॉट प्लेस। सामने आप लोग देख पाएंगे कनॉट प्लेस का थाना है, जस्ट उसी के सामने ही ये एंट्री गेट है और यहाँ पर आप लोग DLF मल्टी पार्किंग भी देख पाएंगे। सामने देख सकते हो DLF मल्टी पार्किंग, यहाँ पर आप लोग अपनी कार वगैरह पार्क करके सीधा इस फूड फेस्टिवल के अंदर आ सकते हो। बाकी यहाँ पे हनुमान मंदिर भी है जो कि कनॉट प्लेस का बहुत फेमस मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, उसके सामने की भी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। इसकी लोकेशन लगाकर भी सीधा आप लोग आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो एंट्री वगैरह करने की टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक आप लोग आराम से यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और जो मेला ये चलने वाला है ये चलेगा आप लोगों का 1 से 17 दिसंबर, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। साथ में आप लोगों को अलग अलग स्टेट के फूड यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छी सजावट है मेन एंट्री गेट पर ही और यहीं से आप लोगों की एंट्री होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है ये फूड फेस्टिवल। तो चलते हैं और आप लोगों को फूड फेस्टिवल के कंप्लीट जानकारी देते हैं। फूड फेस्टिवल के अंदर आप लोगों को उत्तर प्रदेश का जो स्टॉल है वो सबसे पहले नजर आएगा, ये आप लोगों का एंट्री गेट होने वाला है और यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ये फूड स्टॉल नजर आएगा। यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारी वैरायटीज खाने पीने को मिल जाती है, देख सकते हो पूरी की पूरी लिस्ट लगी हुई है। मटर कुल्चा 100 रुपीज़ में मिलने वाला है, झालमुड़ी 100 रुपीज़ में मिलने वाला है, आप लोगों को चीज़ बर्गर 100 रुपीज़ में मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर आप लोग क्वालिटीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर ताज़ा बनाया जा रहा है और आप लोगों को सर्व किया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी होने वाली है। तो इस तरीके का फूड आप लोग यहाँ पर आकर खा पाएंगे। साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इस साइड में एक सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाता है, सरस फूड फेस्टिवल 2023, तो यहाँ पर आप लोग सेल्फी वगैरह ले सकते हो। बाकी इनका सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी है, हर जगह आप लोगों को कारपेट बिछे हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस साइड में जो सेकंड जो फूड स्टॉल यहाँ पर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बिहार से रिलेटेड आप लोगों को फूड देखने को मिल जाता है। सेकंड फूड स्टॉल जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल में, वो बिहार से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को बिहार का फेमस लिट्टी चोखा देखने को मिलने वाला है, तो लिट्टी चोखा आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी इन्होंने मेन्यू के लिए ना स्कैनर्स बनाए हुए हैं, देख सकते हो इस स्कैनर को स्कैन करके आप लोग फूड वगैरह खरीद सकते हो। साथ में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो काफ़ी सारी वैरायटीज के कुछ फूड में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारी वैरायटी फूड की देख पाएंगे। यह है रस्सा, ये खाया जाता है वड़े के साथ में। और ये क्या चीज़ बताई थी आपने? झुनका, जो कि बाजरे की रोटी के साथ में खाया जाता है। तो बाजरे की रोटी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ताज़ा प्रिपरेशन चल रही है। और ये क्या बताया था आपने? ये टैचा है जो जिसमें कि लहसुन डाली होती है, मूंगफली डाली होती है, हरी मिर्च डाली होती है, तो काफी सारी चीजें मिक्स करके इनको बनाया गया है। बाकी यहाँ पर ताज़ा बनाकर आप लोगों को सर्व किया जा रहा है, ये देख सकते हो। वड़ा पाव भी आप लोगों को यहाँ पर खाने पीने को मिल जाता है, तो काफी सारी चीजें आप लोगों को महाराष्ट्र के स्टॉल पर भी खाने पीने की मिलने वाली है, देख सकते हो। ब्रेड मिल जाएगा, वड़े पाव मिल जाएगा, काफी सारी वैरायटीज इन्होंने बनाई हुई है। बाकी जो इनकी लिस्ट होने वाली है कुछ इस तरीके से होने वाली है, तो यहाँ से आप लोग काफी सारी चीजें खरीद के खा सकते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाती है। जम्मू एंड कश्मीर के फूड भी आप लोगों को खाने पीने को मिलने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो फूड होने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नॉनवेज है, चिकन करी मिल जाएगी आप लोगों को, राइस मिल जाएंगे। और इधर हम लोग देखेंगे कश्मीरी पुलाव, आप लोग देख रहे हो, ये भी नॉनवेज है, ये वेज में है, रोगन जोश वगैरह के साथ में खाया जाता है। साथ में यहाँ पर काफ़ी सारी जो है जम्मू कश्मीर से लेट चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और इधर आप लोग देखेंगे तो इधर पूरा का पूरा मेन्यू लगा हुआ है इनका, तो ये चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को वेस्ट बंगाल का भी खाना पीना देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ यहाँ पे लगी हुई है, ये क्या चीज़ है? फिश फिंगर देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे वाइट राइस है और यहाँ पर आप लोगों को गोभी की सब्जी एंड दाल वगैरह खाने पीने की मिल जाती है। तो इनकी कुछ इस तरीके की वैरायटीज़ होती हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। साथ में इस साइड में भी इनकी वैरायटीज़ वगैरह लगी हुई हैं, देख सकते हो नॉन वेजिटेरियन है सारा का सारा चीज़। बाकी इस तरीके की चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे।
सामने की साइड अगर हम लोग चलते हैं तो इस साइड में भी आप लोगों को काफ़ी सारे फूड स्टॉल देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को राजस्थान का फूड भी खाने पीने को काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। राजस्थान का फूड जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, तो यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है वो आप लोगों को बताए थे। तो राजस्थान का फूड स्टॉल है भाई, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ है, सारा कुछ वेजिटेरियन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है? ये मूंग का हलवा है। ये केर सांग की सब्जी है। बेसन गट्टे की सब्जी, हिलाओ थोड़ा इसको, कैसी रंगत है इसकी। ये देखो भाई, बेसन गट्टे की सब्जी है, काफी ज्यादा बढ़िया और गाढ़ी गाढ़ी सब्जी बनाई है। ये किस तरीके की चीज है? ये स्वीट मावा कचौरी होता है। अच्छा, स्वीट मावा कचौरी देखने को मिल जाएगी इधर। ये चूरमा लड्डू होता है। चूरमा लड्डू है। और ये आलू प्याज कचौरी, आलू प्याज कचौरी मिल जाएगी। ये मूंग दाल कचौरी है। मिर्ची वड़ा है। रबड़ी घेवर है। रबड़ी घेवर भी देखने को मिल जाएगा। जलेबी मिल जाएगी। आलू पनीर टिक्की है। आलू पनीर टिक्की भी मिल जाएगी। पाव भाजी है। दही बल्ले है। और राज कचौरी है। काफी सारी वेरायटी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है राजस्थान के स्टॉल पे। तो मतलब खाने पीने की भरमार मिलने वाली है यहाँ पर राजस्थान के स्टॉल पे। सबसे बेहतरीन जो लग रहा है यही वाला स्टॉल लग रहा है। तो यहाँ पर आना भाई बिल्कुल मत भूलना, अगर आप लोग खाने पीने के शौकीन हो, हर तरीके की चीज आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और उसके बाद में आप लोगों को उत्तर प्रदेश का स्टॉल भी दिखाने वाले हैं। राजस्थान के साथ में ही आप लोगों को उत्तर प्रदेश का फूड स्टॉल भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को काफी सारी वैरायटीज देखने को मिलने वाली है। ये क्या है भैया? आलू टिक्की, ढोकला, चाट वगैरह आप लोगों को मिलने वाली है। खस्ता चाट मिलेगी, आलू पापड़ी है, और यहाँ पे इनके गुलाब जामुन है शायद। ये गुलाब जामुन है। ये क्या चीज़ है? मलाई लड्डू है। और यहाँ पे पकोड़े बन रहे ताज़ा ताज़ा, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। इसके अंदर क्या है? ये छोले पनीर आप लोगों को यहाँ पर खाने पीने को मिल जाएंगे। पूरा खोलो, दिखेगा कैसे। ये देखो भाई, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को उत्तर प्रदेश के स्टॉल पर देखने को मिलने वाली है। साथ में आप लोग इनकी चटनी वगैरह देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे। ये क्या चीज़ है? देसी मटर, देसी मटर आप लोगों को खाने पीने को मिल जाएगा। झालमुरी मिल जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और महाराष्ट्र का स्टॉल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र के स्टॉल पर भी देखो प्रिपरेशन चल रही है और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ताज़ा ताज़ा बन रहा है, देखो वड़ा पाव बन रहा है गर्मा गर्म। तो ये चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर खा पाएंगे। इसके अंदर क्या है? ये बैंगन का भरता है। सेब सब्जी मिल जाएगी। ये ठेचा है, खोलो थोड़ा, खोलो पूरा खोलो। ये ठेचा है। ये क्या है? ये मटकी मसाला होते हैं, उसको मिक्सर में डाल के देते हैं। अच्छा, और यहाँ पर वड़ा पाव है और इसके साथ में ग्रेवी है इसी की। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। मिसल पाव वगैरह भी मिल जाएंगे। बाकी इनका जो पूरा का पूरा मेन्यू होने वाला है ना, कुछ इस तरीके से होने वाला है, देख सकते हो। साथ में यहाँ पे पाव भी है, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। ताज़ा ताज़ा बना रहे हैं ये लोग। तो हाँ सब पर नहीं देखना है, यहाँ पर आने के बाद में टेस्ट करके समझ में आएगा कि महाराष्ट्र थाली कैसी होती है जी। हम आपके लिए यहाँ तक आए हैं तो आपको यहाँ तक आना ही होगा खाने के लिए स्पेशल। तो फुली इनविटेशन दे रहे हैं आप लोगों को सरस फूड फेस्टिवल के लिए अंदर आने के लिए। तो आप लोग आए और इनको योगदान दें ताकि ये लोग भी आगे बढ़ें और तरक्की करें। इस तरीके का फूड आप लोगों को ये सर्व कर रहे हैं। बाकी इस साइड में आप लोग असम का फूड भी देख पाएंगे, देख सकते हो। असम के फूड में आप लोगों को काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ये क्या है मैम? तिल बिठा मिल जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये लड्डू मिल जाएंगे आप लोगों को। ये अचार है तुम? ये आसाम से रिलेट अचार मिल जाएंगे आप लोगों को। ब्लैक राइस का खीर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखो इसको हिलाना थोड़ा सा। ये देखो भाई, इस तरीके की रंगत होने वाली है। ब्लैक राइस का खीर मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा। एक बार ट्राई कर सकते हो। साथ में इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलने वाला है? ये मशरूम करी आप लोगों को खाने को मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों को राइस मिल जाएंगे, स्ट्रीम किए हुए राइस हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली हैं। बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो अलग अलग चीज़ें लेकर आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखने वाले हो। नमस्कार दिल्ली वालों को, हमारा महाराष्ट्रियन फूड है। हम महाराष्ट्र से आए हैं, जलगांव जिले से। हम दिल्ली वालों के लिए खास तौर पर हमारा महाराष्ट्रियन जो फूड है वो लेकर आए हैं। बैगन भरता है, सेव सब्जी है। ये बैगन भरता है, ये हमारे हरे हरे बैगन का भरता है। ये इस बैगन का भरता है। इसके साथ में भाकरी आती है, इसके साथ में ये भाकरी है। ये ज्वारी, ज्वारी उड़द मिक्स, ज्वारी उड़द बाजरा मिक्स। उसके बाद में सेव सब्जी है। ये ठेचा है, ये मटकी उसड़ बोलते हैं इसको। और ये इसकी ग्रेवी है मिसल पाव की। ग्रेवी लाइए।
ये मिसल पाव की ग्रेवी है और ये वड़ा पाव है, बॉम्बे स्पेशल वड़ा पाव है, हम दिल्ली वालों के लिए खास तौर पर लाए हैं। तो आप जरूर हमारे स्टॉल पर विजिट कीजिए, हमारा स्टॉल नंबर है 30। तो आप जरूर जरूर आइए हमारे स्टॉल पर और महाराष्ट्र थाली खा कर देखिए। पूरणपोली है स्पेशल, मीठा भी है, तीखा भी है और चटपटा भी है। तो आकर आप खाइए और हमें आपकी सेवा की जो संधि दी है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप लोगों को हरियाणा से लेट भी खाना खाने को मिल जाएगा, काफी सारी चीजें हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो वहाँ पे मक्के की और बाजरे की रोटियां बनाई जा रही हैं और यहाँ पर इनका जो मेन्यू होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है। देख सकते हो मक्के की रोटी, साग, पालक पनीर, बाजरे की रोटी, कड़ी चावल, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को खाने पीने की मिलने वाली है। बाकी आप लोग पूरा का पूरा मेन्यू देख सकते हैं यहाँ पर और अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर परोसी जा रही हैं। तो देखते हैं क्या क्या लेकर आए। भैया क्या क्या लेकर आए हो एक बार दिखा दीजिए, खोलिए इसको। केसर खीर है, गाजर का हलवा है और पालक पनीर, साथ में पालक पनीर आप देख पाएंगे। यहाँ पर सरसों का साग आप लोगों को मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, मक्खन वगैरह डाला हुआ है। साथ में इस साइड में क्या है सर? राजमा चावल सर, खोलिए इसको। राजमा चावल देख सकते हो, राजमा कितने गाढ़े एकदम बढ़िया वाले आप लोगों को राजमा चावल मिलने वाले हैं। हरियाणा से लेट करते हैं और हरियाणा के जो फूड है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर कड़ी पकोड़ा है और यहाँ पर मिक्स वेज मिलने वाली है, तो काफी सारी चीजें हैं। और ये क्या बन रहा है? ये देसी घी की जलेबियाँ भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो काफी सारे फूड्स हैं जो कि यहाँ पर है। ये माता जी आई हुई हैं, माता जी देखो ताज़ा ताज़ा रोटियाँ बना रही हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी आए, इनको सपोर्ट करें और इनके जो फेस्टिवल है उसमें सपोर्ट करें और आप लोग यहाँ पर आए। हरियाणा का खाना आप लोगों को खाने को मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। भाई इस साइड में जाएंगे तो पंजाब का फूड स्टॉल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को गोलगप्पे मिल जाते हैं, भटूरे मिल जाते हैं और पकौड़े मिल जाते हैं, टिक्कियाँ मिल जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। साथ में आप लोगों को यहाँ की पूरी लिस्ट दिखा देते हैं। देख सकते हो पूरी पूरी लिस्ट लगी हुई है, इनकी रेट्स वगैरह सारी चीज़ें मेंशन किए हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर जो सरस फूड फेस्टिवल का पेमेंट सिस्टम है ना, उसको स्कैन करना होगा, स्कैन QR कोड, रजिस्टर नेम, फ़ोन एंड चेक, व्हाट्सअप और SMS फॉर लॉगिन करना होगा और इस तरीके से आप लोग अपना जो है टिकट बुक कर पाएंगे। साथ में आप लोग उस कूपन कोड को यूज़ करके यहां से खाना पीना खरीद सकते हैं। देख सकते हो शो योर ऑर्डर नंबर, कलेक्ट फूड, यहां पर काउंटर बनाए हुए हैं और वहां से आप लोग फूड वगैरह ले पाएंगे। तो बड़े ही आसान तरीके से आप लोग फूड वगैरह खरीद सकते हैं यहां पर और अलग अलग जगहों का फूड वगैरह खा पी सकते हैं। सरस फूड फेस्टिवल के अंदर आप लोगों को उत्तराखंड से लेट भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोग स्प्रिंग पोटैटो को देख सकते हो, रागी मोमोज खा सकते हो, झंगोर की खीर खा सकते हो, फ्रूट आइसक्रीम मिक्स, एग पिज़्ज़ा खा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। साथ में ये देख सकते हो मिक्स फ्रूट आइसक्रीम आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ये भी आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को रागी मोमोज मिल जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को खीर भी देखने को मिल जाती है जो उत्तराखंड से रिलेट करती है, कुछ इस तरीके से होने वाली है। देख सकते हो इसके ऊपर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हुए हैं। क्या बताया था आपने? झूंगर की खीर मिल जाएगी और साथ में ये मिठाई काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, बाल मिठाई आप लोगों को मिल जाएगी, उत्तराखंड की काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। तो इस तरीके का इनका स्टॉल है। बाकी पिज़्ज़ा वगैरह भी मिल जाते हैं। बाकी आप लोग काउंटर नंबर 8 देख सकते हैं, इस पर आप लोग आ सकते हैं। बाकी इनका जो मेन्यू होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है, प्राइजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, तो आप लोग नॉर्मली यहाँ पर खा भी सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। इस साइड में भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्राउड बढ़ता ही जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया होने वाला ये फेस्टिवल और आप लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके के फूड्स वगैरह देख पाएंगे। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो केरला के फूड वगैरह देख पाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। आप लोगों को अलग अलग तरीके सोडा वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हो आप लोग, फ्रूट सोडा वगैरह यहाँ पर आप लोग ले सकते हो, काफ़ी सारी वैरायटीज़ है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। मिक्सी, जूसर वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं, केरला से रिलेट करता है पूरा का पूरा स्टॉल, ये भी देख पाएंगे। और इस तरीके से आप लोग हैंड वॉश करने की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दी हुई हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जी भैया, आंध्र प्रदेश आया, आंध्र प्रदेश स्पेशल चिकन मटका बिरयानी, वो मटका में वो स्पेशल राइस से बना थे, वो बहुत पुराना राइस है, वो गोविंद भोग राइस है। ये राइस में मटका में बनाते वो चा, ये चिकन मटन प्रान मटका में बनाते, अंदर मटका से वो कुक हो जाएगा, स्पेशल चिकन मटका बिरयानी। और बारबेक्यू में चिकन फिश एंड प्रान क्रैब बारबेक्यू में मिलेगा। और ट्रेडिशनल मेरा आंध्र स्पेशल चिकन करी, स्पेशल चिकन करी और एक सांबर,
एंड ये बैगन करी और फिश करी भी मिलते हैं इसमें, बीबीक्यू में चिकन फिश प्रॉन भी मिलेगा। थैंक यू भाई। वहाँ पे आप लोगों को तेलंगाना का भी स्टॉल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप लोगों को चिकन मटन बिरयानी देखने को मिलने वाली है, बिरयानी भी आप लोग खा पाएंगे। साथ में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इनका जो मेन्यू होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है, और यहाँ पर चिकन बिरयानी जो है वो सर्व हो रही है, तो इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे। काफ़ी बड़ा पतीला सा बनाया हुआ है, इस तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है। इस तरफ पंजाब से रिलेटेड फूड भी आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि नॉन वेजिटेरियन होने वाला है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। इस साइड में नॉन वेजिटेरियन है और उस साइड में जाएंगे तो गैप दिया हुआ है पूरा का पूरा। उधर की साइड में वेजिटेरियंस हैं, जो भी मतलब अवॉइड करते हैं नॉन वेज, तो वो इस साइड ना ही आए तो बढ़िया है। बाकी आप लोगों को इस साइड में काफ़ी सारी फूड फैसिलिटी मिलने वाली है। केरला का स्टॉल देखने को मिल जाएगा, कर्नाटका का देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र का देखने को मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र के भी चलते हैं, क्या क्या लेकर आए, क्या क्या लेकर आए सर आप? सर इसमें चिकन ड्राई चिकन ग्रेवी चिकन है, ग्रेवी चिकन है, ड्राई मटन ग्रेवी मटन, ड्राई मटन ग्रेवी मटन आप लोगों को मिल जाएगा। चिकन लीवर है सर, इसके अंदर चिकन लीवर मिल जाएगा, और इसके अंदर राइस, इसके अंदर व्हाइट राइस मिल जाएगा, और यहाँ पे वड़ा पाव, वड़ा पाव भी नॉन वेज है, वेज है वड़ा पाव, वेजिटेरियन आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी इस तरीके की बाजरी चावल की रोटी मिलेगा, चावल की रोटी भी मिल जाएगी, तो चावल की रोटी भी आप लोग यहाँ पर खा सकते हैं। बाकी बाजरे की रोटी, चावल की रोटी, हाँ जी स्वीट में पूरन पोड़ी, हाँ स्वीट में पूरन पोड़ी भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि महाराष्ट्र रिलेट आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पर कर्नाटका का भी स्टॉल देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर भी आप लोगों को नॉनवेज मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को केरला से रिलेट भी है, यहाँ पर भी आप लोगों को कम्प्लीट जो है नॉनवेज मिलने वाला, देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें इनकी। तो नॉनवेज का जो सेक्शन है इन्होंने अलग बनाया हुआ है, और वेजिटेरियन वाला जो सेक्शन है वो अलग बनाया हुआ है। यहाँ पर भाई साहब देखो, ये आ गए चार्ली चैपन, आ गए चार्ली चैपन, ये लोग गिटार बजा दिया भाई ने, ले इस तरीके से एक्ट करते हुए भी लोग मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। बाकी जो सिटिंग सिस्टम है ना इनका, वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। इस साइड में सिटिंग सिस्टम्स बनाए हुए हैं, सिटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इस तरीके की चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बिलिंग काउंटर देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो ये बिलिंग काउंटर है, और यहाँ से बिलिंग वगैरह होने वाली है। बिलिंग वगैरह किस तरीके से होती है, बैंड वगैरह देते हैं आप? ये कूपन है, इसको टॉप अप करेंगे आप, जो भी मैं पेमेंट आपको पेटीएम करूंगा उस वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को बैंड दे दिया जाएगा और उसी से ही आप फूड खरीद पाएंगे। ऑनलाइन भी है और कैश भी है, तो हर तरीके की इनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू। पंजाब के स्टॉल से अभी हम लोगों ने दही बल्ले लिए हैं, और इसको हम टेस्ट करके बताने वाले हैं किस तरीके लगने वाले हैं। काफ़ी सारी इनके पास में वैरायटी मिल जाती है, और छोले भटूरे वगैरह भी हम लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं, तो अभी टेबल पे चलते हैं और उसके बाद आप लोगों को रिव्यू देने वाले हैं। बाकी देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं भाई, खाने के बाद में पता चलेगा किस तरीके के बने हुए हैं। तो भाई सरस फूड फेस्टिवल के अंदर हम लोगों ने छोले भटूरे और यहाँ पर दही बल्ले पापड़ी हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो सामने ही है पंजाब का स्टॉल, ये देख सकते हो। तो अभी हम लोग टेस्ट वगैरह भी करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बेहतरीन फूड के ऑप्शन मिल जाते हैं, अलग अलग स्टेट के आप लोग फूड खा पाएंगे। तो हम लोगों ने पंजाब के स्टॉल से कुछ फूड्स लिए हैं और हम लोग इन फूड्स को टेस्ट करने वाले हैं। सो फाइनली दोस्तों, सरस फूड फेस्टिवल का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और सरस फूड फेस्टिवल के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फैसिलिटीज मिलने वाली है। साथ में यहाँ पर वाटर वगैरह की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलने वाली है। साथ में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन का जो एरिया है ना वो अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, ताकि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन से थोड़ा सा घिन खाते हैं, तो इसलिए वो उस एरिया में ना जाएं, इसलिए अलग अलग बनाया हुआ है। तो आप लोग अगर वेजिटेरियन में जाएं तो वेजिटेरियन में जा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन में जाना है तो नॉन वेजिटेरियन में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को सरस फूड के अंदर फैसिलिटीज मिल जाती हैं। बाकी आप लोगों को दिक्कत कोई नहीं होने वाली, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है यहाँ पर आप लोग टूर करें, खाना पीना भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक अ नाइस डे, बाय बाय।